अस्सलाम वालेकुम, एक अदर अनदर मेन टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं कि भाई वो कौन से फैक्टर है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इम्पैक्ट करे, अफेक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे, परसुएट करे। वो कौन से फैक्टर है ऐसे जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इम्पैक्ट करे, अफेक्ट करे? तो वो ये रे भाई, कल्चर डिसाइडिंग फैक्टर, यानी वो कौन से फैक्टर जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अफेक्ट करे। सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सही, तो स्ट्रक्चर एंड साइज, उन्होंने आपको यहाँ पे फैक्टर्स बता दिए हैं, हम बारी बारी से आपको रीड करते हैं। टू सम एक्सटेंट द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स साइज एंड इट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। सही है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और मैंने आपको पढ़ाया डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और हमने सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी पढ़ा जिसको हम यंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और उसको कभी कभार हम पावर स्ट्रक्चर के नाम से भी या ज्यूस कल्चर के नाम से भी पहचाना जाता है उसको। तो मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिए थे चैप्टर 3 के अंदर डिटेल। अब जो स्ट्रक्चर होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह का कल्चर होगा, जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह का कल्चर होगा। फॉर एग्जांपल, आप हैं और आपने अपनी छोटी सी शॉप खोल ली है। अब शॉप के मालिक कौन है? आप। आपने अपनी शॉप को चलाने के लिए 2-3 एम्प्लॉइज हायर कर लिए, लेकिन उनको डायरेक्ट और कमांड कौन कर रहा है? आप। यानी एक सिंगल अथॉरिटी मौजूद है, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी मौजूद है, वो कौन है? वो आप है। सही है, अब ज़रा कुछ टाइम गुजरता गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो शॉप था वो छोटे शॉप से एक बड़ा सा सुपर स्टोर बन गया। अब आपके लिए हर एक एम्प्लॉय को मैनेज करना मुश्किल हो गया। फिर आपने क्या किया? आपने 2-3 एक्सपर्ट पर्सन हायर कर लिए, उनको आपने नाम दे दिया मैनेजर्स का, और फिर मैनेजर्स ने आपके कमांड को एम्प्लॉयज़ पे इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयज़ को उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो मोस्टली उसके अंदर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पाया जाता है, और आप खुद ही एनालाइज करने लगे कि भाई जैसे मेरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, पीपल का डीलिंग भी मेरे से चेंज हो गया। अभी आप पीपल से डील नहीं कर रहे, आपने जिन मैनेजर्स को हायर किया है वो डील कर रहे हैं, वो आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज को इंश्योर कर रहे हैं। सही है, तो ये मेन चीज़ आप खुद ही भी एनालाइज कर रहे हैं ना। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो और मे ऑल्सो रिजल्ट इन चेंज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब लीडरशिप, द लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस कल्चर, फॉर एग्जाम्पल बाई स्टेटिंग द वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल एंड स्ट्रेटजीज। मुझे एक बात बताइए, आप है, सही है, आपने अपना एक इदारा खोल लिया। कौन सा इदारा खोल लिया आपने? अपना सपोज कर ले, कोई सब एग्जाम्पल ले रहे थे, आपने शॉप ही खोल ली, चले शॉप खोल ली आपने अपनी। आपने शॉप खोलने के साथ अज़म लिया कि भाई ये मेरा इदारा है, और मैं अपने इदारे में हमेशा इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी को इंश्योर करूँगा, और जो ऑनेस्ट और अपनी ऑब्जेक्टिविटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, सही, तो फिर उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। मतलब आपने कुछ वैल्यूज़ बना ली एज अ लीडर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले आप हैं, जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया पहली बार लोग उसी को लीडर मानते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले कौन थे? आप ही थे। तो जब आपने इस तरह कोई वैल्यू सेट की, जब आपने इस तरह का कोई गोल सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई मुझे अगले 3 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट कमाना है, आपने गोल सेट कर दिया। सही है, मतलब एक लीडर होता है वो गोल सेट करता है, वो वैल्यू सेट कर सकता है, वो स्ट्रेटजी सेट कर सकता है, प्लानिंग करता है। तो जो वो डिसीजन मेकिंग जो के अंदर जो लीडर इन्वॉल्व है, तो उसी के जो एम्प्लॉयज़, जो उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो उसके नीचे जो वर्कर काम कर रहे होंगे, जो पीपल उसके नीचे सबॉर्डिनेट होंगे, वो उसी के मुताबिक एक्ट, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करेंगे। आप किसी स्कूल में जाए, तो स्कूल फॉर एग्जांपल किसी भी बड़े इदारे में जाए, क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के अंदर जाए, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, तो वहाँ पे गोल लिखा हुआ है, उनका कोई ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि टू मेक वर्ल्ड फ्री ऑफ पुअर्टी, हम दुनिया से गुर्बत ख़त्म करने के लिए आए हैं। वर्ल्ड बैंक का ये कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मिशन स्टेटमेंट है। अब जो इनका जो मिशन स्टेटमेंट है, ये इनका बिलीफ भी हो सकता है, इनका वैल्यू भी हो सकता है, और ये इसी की इर्द गिर्द काम कर रहे होंगे। ऐसे
इन एक्चुअल काम तो पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन हम अजम्पशन ले रहे हैं इनके इर्द गिर्द काम कर रहे होते हैं। यानी जो स्ट्रेटजीज, जो माइंड सेट, जो बिलीव, जो वैल्यूज़, जो जो मतलब एक लीडर डिसाइड करता है, तो कल्चर भी उससे अफेक्ट होता है। आज मैंने दुकान खोल ली, मैंने कह दिया कि भाई मैं उसको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा जो कि कस्टमर को चूना लगा के सामान बेचेगा। अब तो मेरा हर एक एम्प्लॉई कस्टमर को चूना लगा के बेचेगा, कोशिश करेगा कि ख़राब सामान ही बेच दे। अब ये एक है इमोरल एड, ऐसे ऐड को हम क्या कहते हैं, इमोरल एड। लेकिन मैंने कह दिया ना, मैंने बात कर दी, मैं लीडर था, एम्प्लॉयज़ एड रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गए। मैंने कहा कि मैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करूँगा जो कि मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, उनको अच्छी चीज़ देंगे, तो फिर एम्प्लॉयज़ भी अच्छी कोशिश करेंगे कि कस्टमर को अच्छे से अच्छे सेटिस्फाई किया जा सके। एनवायरमेंट कल्चर डेवलप एज अ वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्टिंग, ये अल्फाज जो मैं आपको बार बार बोले जा रहा हूँ, रिएक्टिंग इन विच इट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। यूनिलीवर पाकिस्तान है, और एक यूनिलीवर कनाडा है, एक यूनिलीवर अमेरिका में कोई है, यूनिलीवर इंग्लैंड है, मतलब यूनिलीवर के बहुत सारी ब्रांचेस है, यूनिलीवर फ्रांस है। मैं यूनिलीवर पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, और हम यहाँ पर ईद मनाते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अदा वगैरह, सही है। तो होता क्या है, आप देख रहे होंगे अपने कमर्शियल, मतलब जब भी आप टीवी खोलते हैं, टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट गुजरती है कि भाई ऑलपर का इश्तिहार आ गया, और ऑलपर वाले कह रहे हैं ईद मुबारक, और ये हमारा दूध है, मतलब ऑलपर एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है ईद मुबारक के नाम के साथ। यानी ऑलपर भी एनवायरनमेंट को देखते हुए एडवर्टाइजमेंट करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ऑपरेट करती है उस एनवायरनमेंट को देख के क्या करती है, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। और जब एनवायरनमेंट को देख के आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो परस्यूड हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है, सही। इवेंट्स कल्चर डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी इवेंट्स एंड हाउ अ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हैज रिस्पॉन्डेड टू दोज इवेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूली ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान के अंदर खुल गई, ABC ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने बाजू में देखा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, पे तीसरी जगह देखा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, उसने एक बात नोटिस की कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हर साल अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन अरेंज करती है, कोई ना कोई इवेंट रखती है ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो और काम अच्छा करे, प्रोग्रेसिव काम करे वो। तो जो ABC ऑर्गेनाइजेशन थी उसने भी कहा कि भाई हम भी ये इवेंट अरेंज करते हैं, तो उसने एनवायरनमेंट को देखा, इवेंट खुद भी अडॉप्ट किया, और धीरे धीरे ये इवेंट उसके कल्चर का पार्ट बन गया। धीरे धीरे ये जो इवेंट उसने अडॉप्ट किया एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कराने के लिए, ये उसी के कल्चर का पार्ट बन गया, सही। नेचर ऑफ बिजनेस, आप प्रोडक्शन बिजनेस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सोल ट्रेडर है तो आप सामान लेंगे जाके बेचेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आप रॉ मटेरियल लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, फिर बेचेंगे, सही है। तो जो आपका क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस है, उसी के ज़रिए आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी इन्फ्लुएंस होगा। नेचर ऑफ बिजनेस हैज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल इन डिसाइडिंग क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में नॉट बी इंक्लूड। सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप किसी इंडस्ट्री में चला जाए तो वहाँ पे बनाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। तो पढ़ाने और बनाने में फ़र्क है भाई। नेचर ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट से मतलब में क्लाइंट का मतलब ये होता है कि आपके कस्टमर्स, सही। तो नेचर ऑफ क्लाइंट और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ क्लाइंट ऑल्सो हैज अ वेरी कंसिडरेबल रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड डिसाइडिंग कल्चर। सपोज़ कर ले एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड अपनी ट्रेडिंग करती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने डीलिंग करनी है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका में डीलिंग करने से पहले वो अमेरिकन कल्चर के नॉर्म्स के बारे में कुछ ना कुछ जानेगी। फ्रांस में डीलिंग करने से पहले वहाँ के नॉर्म्स के बारे में कुछ ना कुछ जानेगी, उसके कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ जानेगी, ताकि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ना आए। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अ डिज़ास्टर, और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ यानी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्पैक्ट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था,
मेमोराइज और समझ लीजिएगा. थैंक यू.